जरा जरा बात नगेश आज भारत के भविष्य को बदलने के लिए, भारत के सोच विचारधारा को बदलने के लिए एक संकल्प लेके भारत राष्ट्र समिति पार्टी का प्रस्थान शुरू हुआ है। तो इस कारवान में, इस प्रस्थान में, इस महायुद्ध में शामिल होने के लिए आप तमाम भाई बहनें इतने दूर से ओडिशा राज्य से आए हैं, मैं आप सभी लोगों को हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता ओडिशा के राजनीति के भीष्माचार्य, ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री गिरिधर गुमांग जी, उनके धर्मपत्नी जी श्रीमती हेमा गुमांग जी, उनके सपूत श्री शिशिर गुमांग जी, श्रेय रंजन दास जी, रविंद्र मोहपात्रा जी, फाल्गुनी सबार जी, गोपाल राव जी, मलिया रंजन स्वैन जी और हमारे वरिष्ठ नेता जयराम पंगी जी, बहुत सीनियर नेता है जयराम पंगी जी, और उनके साथ ही आए हुए राजेश पुत्रा जी, जनार्दन महंती जी, दिनेश नायर जी, सुधीर सारंगी जी, सामंत कोहरा जी, प्रताप चौधरी जी, चेन्नू मुद्दुली जी, हरीश चंद्र गैलरी जी, युधिष्ठर नायक जी और नारायण राव जी, और साथ में काफी एक्स एमएलएस भी वरिष्ठ नेता लोग आए हुए हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अक्षय कुमार जी एक ऐसे आदमी हैं, ये गांधी के विचारधारा पे चलने वाला हमारे हिंदुस्तान का एक मशहूर एक्टिविस्ट है, उन्होंने काफी मतलब प्रयास किया है, जहां भी लोगों के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने कृषि संगठन भी चालू किया है, उड़ीसा के किसानों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में भी कई लोग आज आए हैं, कई नेता लोग, अक्षय कुमार जी, रामचंद्र हंसदा जी एक्स एमपी एक्स एमएलए मयूरभंज से, ये जेएमएम राज के जो मूवमेंट चला था उसमें भी बहुत बड़े नेता थे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के संतालों को इकट्ठा करने में उनका बड़ा योगदान था, और श्री नवीन नंदा जी एक्स एमएलए, श्री रथ दास जी एक्स एमएलए, श्री अर्जुन दास जी एक्स एमएलए, राघव शेट्टी जी एक्स एमएलए, वृंदावन माझी जी एक्स एमएलए, देवराज सेठी जी एक्स एमएलए, कैलाश कुमार मुखी जी, इन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके, अपने आप को डिक्लेयर कर लिए, ओडिशा राज्य में कांग्रेस पार्टी से थे, वहाँ रिजाइन करके ऐलान भी कर लिए, और श्री प्रदीप प्रधान जी आरटीए एक्टिविस्ट, श्री शेषदेव नंदा जी, उमाकांत भारत जी, श्री निमई राय जी, एडवोकेट श्री किरोत राउत जी, विश्वप्रिया नायक जी, रक्षाकर अनुपम जी, रंजीत पटनायक, जगबंधु मोहंता जी, सूर्यपति जी, काशीनाथ बेहरा जी, कैलाश चंद्र नायक जी, सीएमडी मुनवर अली जी, अमित कुमार जना जी, प्रमोद कुमार सामंतराय जी, और उनके साथ जो लोग बस में आए, खासकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इतने दूर इतना लंबा सफ़र करके, आप इतना प्रयास करके इतनी दूर सफ़र करके आए हैं, इन सभी नेताओं के साथ मैं आप तमाम लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ फिर एक बार। तो साथियों, आज
देश 75 साल हुआ आजादी का जश्न मना रहे हैं। 75 साल बहुत लंबी समय होती है, काफी बड़ी समय होती है। इसमें दो जनरेशन खत्म होकर तीसरा जनरेशन का जीवन चलता रहता है, ऐसा एक स्थिति है। हमारे साथ, हमारे से थोड़े पहले, कुछ समय पहले और हमारे से कुछ समय बाद कई राज्यों को इंडिपेंडेंस मिला, आज़ादी मिला। उनके तरफ देखे तो कहानी कुछ अलग है, हमारा भारत का कुछ कहानी अलग है। मैं दो चार शब्द ही कहूँगा, कल परसों पहले हम लोग मिल लेंगे, आज आपको रेस्ट भी लेना है, इतने दूर से आए हैं, हम पूरी बातें तफसील में बात कर लेंगे। लेकिन इतना तो कहना चाहूँगा ज़रूर कि इस देश में संपत्ति है अमेरिका से भी ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा, दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज़्यादा। ये बिना किसी शक के मैं कह सकता हूँ, मैं भी 50 साल से राजनीति में हूँ। मैं MLA था, MP था, मंत्री था, केंद्रीय मंत्री था, चीफ मिनिस्टर भी हूँ, कई चीज़ मैंने देख चुका है, अध्ययन भी कर चुका है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, संपत्ति इतनी है कि अमेरिका से भी ज़्यादा, चीन से भी ज़्यादा हमारे पास संपत्ति है। लेकिन आज दुनिया में अमेरिका की जगह क्या है, चीन की जगह क्या है और हमारा इंडिया का जगह क्या है, बस एक बात से हम सब कुछ समझ सकते हैं। उड़ीसा से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दक्षिण में हमारे कहीं अन्य राज्य से, कर्नाटक से हो, कहीं से भी हो, भारत के युवा अमेरिका जाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों? अमेरिका में हमारा कोई युवा जाता है और उनको वहाँ ग्रीन कार्ड मिल जाता है, उनके माँ बाप यहाँ इर्द गिर्द के लोगों को बुला के दावत दे रहे हैं, भाई हमारे बच्चे को ग्रीन कार्ड मिल गया। ये किस चीज का ये एग्जाम्पल है? ये चीज क्या बताता है हमें? हमारा किसी लड़का को, हमारे भारत का किसी युवा को अमेरिका के अगर ग्रीन कार्ड मिला, हम उसको इतना मान्यवर समझ रहे हैं कि यहां हम दावत बना रहे, यानी कि हम कहां हैं? इस एक चीज से सब कुछ हम समझ सकते हैं। सब कुछ रखते हुए भी देश के जनता अपनी संपत्ति से क्यों वंचित है, इस बात पे हमें सोचना चाहिए। पीने का पानी भी नहीं दिया जा सकता देश में 75 साल के बाद, सिंचाई के लिए, खेती के लिए किसानों को पानी भी नहीं दिया जा सकता, बिजली भी नहीं दिया जा सकता, ये क्या बेहाल स्थिति है? कितनी सभाएं हम देख रहे हैं, कितनी भाषण सुन रहे हैं, कितने नेता MLA बने, MP बने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, कितने सरकारें बदले, कितने रंगों के रंग बिरंगे झंडे भी हमने देखे, लेकिन किसानों का, गरीबों का हालत तो नहीं बदला। सरकारें बदले, नेते बदले, इसका कारण क्या है? इस पे सोचने की बात है। इसका कारण यही है, जब चुनाव होता है हमारे देश में, चुनाव में नेता जीत रहे, पार्टी जीत रहे, चुनाव के बाद जनता हार रही है। हिंदुस्तान की राजनीति में गंभीर परिवर्तन की जरूरत है कि चुनाव में नेता और पार्टी नहीं, जनता जीते, बाद में चुनाव के बाद जनता की जीत होना चाहिए। वो लोकतंत्र है, वो लोकशाही है, उसी का नाम सही लोकतंत्र है। इस सही लोकतंत्र को कई षड्यंत्रियों ने, जो राजनीतिक षड्यंत्री है, तोड़ मरोड़ के, गोल घुमा के, नारेबाजी में अपने सत्ता के लिए कितनी बातें कह चुके हैं, कितने वायदे कर चुके हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमारे सामने है। मैं दूसरा एक बात और भी कहना चाहूंगा,
आप सभी से मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा, ये मुझे मनोमन में मुझे भी ये सवाल खाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले खम्मम के सभा में मैंने यही सवाल पूछा था, आज अपने देश का कोई लक्ष्य है, भारत का कोई लक्ष्य है, आज अपने देश का लक्ष्य क्या है? अपना देश अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह हो गया है। आज के नेताओं का, आज के पार्टियों का सिर्फ चुनाव जीतना ही लक्ष्य बन गया है। कुछ करो चुनाव जीतो, दंगे कराओ, फसाद कराओ, फूट डालो, समाज को तोड़ो फोड़ो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कई अन्य प्रकार से समाज को विभाजन करो, अपना काम निकालो, बस चुनाव जीत जाओ। चुनाव अगर जीतते हैं, कोई पार्टी जीतता है, किस लिए लेता है? चुनाव जीतने का लक्ष्य क्या होता है? पार्टी बनने का भी लक्ष्य क्या होता है? जनता का सेवा करना चाहिए, देश का उन्नति करना चाहिए, देश का उद्धार होना चाहिए। भाइयों, मैं एक बात कहता हूं, ओडिशा के महानदी में कितने पानी है? ओडिशा के महानदी में कितना पानी है? हमारे जरूरत से ज्यादा पानी है। ओडिशा यूज करता है कितना? 25% 30% हम यूज करते हैं, बाकी 50 साल से बह रहे हैं समंदर में। हमें पीने का पानी नहीं है? महानदी के अलावा ब्राह्मणी भी है, वैतरणी भी है, छोटे मोटे कई अन्य नदियां भी है। जा तो कहां जा रहा है पानी? ये पानी हमारे घर में नल के रूप में क्यों नहीं आ रहा है? पीने के पानी का किल्लत होना चाहिए कि ओडिशा में या देश के किसी अन्य राज्य में? 75 साल में आप इतनी लंबी लंबी भाषण देके, लंबी लंबी आश्वासन देके, कम से कम पीने का पानी नहीं देने के लायक नहीं है। ना पीने का पानी मिलता है, ना करंट मिलता है, फिर क्या मिलता है? भाषण मिलता है? बेरोजगार युवा फिर रहे, करोड़ों युवा किसान आंदोलन करते हैं, क्यों? किसान को 13-13 महीने देश के राज देने में दिल्ली में आंदोलन करना पड़ता है। ये किसी देश में संभव है? सिर्फ भारत में 13-13 महीने शर्म करने की बात है। आखिरकार हुआ क्या है? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसका नतीजा जीरो, एक भी समाधान नहीं मिला, एक भी समस्या नहीं सुलझा। कम से कम आज तक केंद्र सरकार से एक भी आश्वासन नहीं मिला कि देश के जनता का, देश के किसानों का, देश के गरीबों का इतना मजाक उड़ाया जा सकता है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? ये तो खिलवाड़ है जनता के साथ, किसान के साथ। ये सारे चीज बंद होना चाहिए। इसीलिए मैंने नारा दिया है, अब की बार किसान सरकार। किसान हल चलाना ही नहीं, कलम चलाना भी सीखना चाहिए। आगे चुनाव में हमारा यही नारा होगा। काफी एमएलए हम बना चुके हैं, एमपी बना चुके हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या क्या नहीं बनाए। अब हमको ही, किसानों को ही एमएलए बनना है, एमएलए चुनना है और देश का कलमदान संभालना है। चलो तब हम देखते हैं कैसा पानी समंदर से नहीं जाते हुए भूभाग में कैसा नहीं आता, पीने का पानी भरपूर पेड़ भर पानी कैसा नहीं आता। मैं एक मिसाल देता हूं भाइयों, आप लोगों को, बहनों, 8 साल पहले तेलंगाना में भी बड़ी किल्लत थी, बिजली का भी, पीने का पानी का भी, सिंचाई का पानी का भी, हर चीज के लिए हम भी यहां तरसते थे। जो मन से काम किए, आज यहां पूरा समाधान मिल गया। तेलंगाना के हर घर में, वो आदिवासी हो, बंजारा हो या बंजारा हिल के अमीर हो, सभी को एक ही तरह का पानी हर घर में नल के साथ, पूरे घर में, तेलंगाना के 100 के 100% घर में शुद्ध पानी, पोर्टेबल वाटर मिलता है। अगर ये बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव हुआ है, बाकी पूरे देश में क्यों संभव नहीं है? अगर ये यहां हो सकता है तो
उड़ीसा में क्यों नहीं होगा, राजस्थान में क्यों नहीं होगा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होगा, देश के किसी अन्य जगह क्यों नहीं होगा। ये धन की बात नहीं है। अब देखिए महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहे हैं आज के समय में। अखबारों में पढ़ते हुए शर्म से हमारा सर झुक जाता है। क्या महाराष्ट्र के पास धन की कमी है? तेलंगाना तो महाराष्ट्र से कमजोर है। यहां किसान के आत्महत्या हमने बड़ी प्रयास करके कृषि क्षेत्र को खड़ा करके थोड़ी सुधार लाके यहां आत्महत्या हमने बंद किया। यहां से जो माइग्रेशन था, पलायन था लोगों का, 50% लोग पलायन होते थे महबूबनगर जैसे जिले से, सारे वापिस आ गए, सारे ही लोग वापिस आ गए। और आज किसान तेलंगाना का आत्महत्या नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, अपने सर उठा के जी रहे हैं। ये तेलंगाना में संभव है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, उड़ीसा में क्यों नहीं? ये धन की बात नहीं है, मन की बात है। धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। इच्छा शक्ति होना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट होना चाहिए। इसीलिए भाइयों मैं कह रहा हूं कि चुनाव में जनता जीतने की प्रक्रिया शुरू करेगा वो परिवर्तन लाएगा भारत राष्ट्र समिति पार्टी। उस परिवर्तन के लिए ही देश का परिवर्तन चाहते हुए उच्च गुणवत्ता वाला परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज लाने का प्रयास शुरू हुआ है और ये प्रस्थान विजय प्राप्त करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए नहीं, कुछ लोग हमारे मजाक उड़ाएंगे, कोई बात नहीं है, वो मोटे लोग हैं, लंबे लोग हैं, चौड़े लोग हैं, उनके पास पैसे ज्यादा है, षड्यंत्र ज्यादा है, हाँ तो सब कुछ है, हो सकता है हम गरीब है, लेकिन हमारे साथ न्याय है, उनके साथ वो नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं न्याय की मांग कर रहे हैं। जब हम इंसान होकर पैदा हुए हैं, इंसानी हक जो होते हैं, जो ह्यूमन राइट होते हैं, ये भीख मांग के लेना नहीं चाहिए, ये तो छीन के लेना चाहिए। इसलिए कि हम इंसान हैं, जब हम इंसान बन बैठे हैं तो इंसानी हक हमको मिलना चाहिए, इसको छीन लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए। यही काम कर सकता है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ मुश्किल झेलने पड़े, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे, आगे चल के विजय जरूर मिलेगा। एक ईमानदार सोच से पूर्ण देश का परिवर्तन चाहते हुए मैं एक दो बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बिजली की कमी नहीं है देश में, स्थापित बिजली, स्थापित विद्युत शक्ति देश में 4,00,000 मेगावाट से भी ज्यादा है। देश ने आज तक कभी 2,10,000 मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। उड़ीसा में ही कहीं है बिजली घर बने बने, कितना सुंदर कोयला मिलता है अपने तालचेर में, डेंकनाल में कितना जबरदस्त कोयला मिलता है। इतना ज्यादा कोयला खदान रखते हुए उड़ीसा में बिजली की किल्लत क्यों भैया, समझ में नहीं आता। इसके लिए हमको अमेरिका से भीख मांगनी है, किसी के सामने हाथ पसारने हैं, पर इसके लिए भी हमें क्यों भीख मांगना पड़ता है, इसमें भी क्यों शॉर्टेज होता है? जो संपत्ति, यही कह रहे थे, संपत्ति हमारे पास है, हमारे तालचेर में, हमारे डेंकनाल में कितना जबरदस्त वर्ल्ड क्लास कोयला है, तो क्या हो रहा है उस कोयला का? आज जो नीति चल रही है देश में, जो जहां नुकसान आता है ठोक दो जनता पे, सोशलाइजेशन ऑफ द लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, समझ गए आपने? आज जो हो रहा है देश में, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सोशलाइजेशन ऑफ लॉसेस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट,
जहां नुकसान हो रहा है बता दो, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, गैस बढ़ाओ, तेल बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, जनता का जेब काटो। जहां नुकसान होता है जनता के लिए, जनता के सर पे जाएगा नुकसान। जहां फायदेमंद चीजें, देव अदानी को देव, अंबानी को देव, टाटा को देव, बिरला को देव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। यही तो चल रहा है। इस विश्व वलय से, इन षड्यंत्रियों से देश को बचाना है, देश को निकालना है। काफी समय हो चुका है, इसी के लिए शुरू हुआ है भारत राष्ट्र समिति। यह अभी चल पड़ा है। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है, जिस प्रकार का मुझे टेलीफोन्स आ रहे हैं, जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है बहुत राज्यों से। आपने तो कहीं वरिष्ठ लोग, नेता लोग, कई बार जयराम पंगी जी जो तीन तीन बार, चार चार बार एमएलए रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, गोमांग जी का तो लाजवाब नेता है, उनके बारे में मुझे बताना मच्छा नहीं रहेगा इनके लिए। इतना उड़ीसा में कोई ऐसा आदमी ना हो उनको नहीं जानता, इतने सीनियर नेता, इतना लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है और स्पॉटलेस कैरेक्टर है गोमांग जी का। ये मैं जब पंगी साहब से बात कर रहा था, जयराम जी भी इतने बड़े दिल वाले हैं, मैंने पूछा बात हो रही थी तो जयराम जी बताए, साहब गिरिधर साहब इतने अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, मैं उनका विरोध करता था तभी भी दिल्ली जाता तो उन्हीं के घर रुकता था, मैं वहीं रहता था, ये हमारा प्यार है। मतलब इतने महान इनका कैरेक्टर है। अब इतने सारे लोग आए हैं, मुझे बहुत हिम्मत बढ़ी है, हजार हाथियों का हिम्मत आज मुझे आया है। इतने ज्यादा लोग, इतने दूर से, उड़ीसा से इतना कष्ट उठा के आपने हैदराबाद आए, ये हमारे भाग्य है कि आप इतने लोग बीआरएस दफ्तर में कदम रखे हैदराबाद में। ये अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, जरूर हमको विजय प्राप्त होगा, देश परिवर्तित होगा। आज जो जनता वंचित है अपने संपत्ति से, देश की संपत्ति से, पूर्ण संपत्ति से जनता मिलेगा, किसानों को अपना हक मिलेगा, हर चीज को, हर सेक्शन को हम साथ लेके एक महान भारत, सुहान भारत का निर्माण करने के लिए निकल पड़े हैं, उसका सपना हम देखते हैं। कल फिर हम मुलाकात करेंगे, वहां पे मैं आपसे मिलता हूं। आप कुछ चीजें देखना चाह रहे, अक्षय जी मुझे कह, लास्ट बस में आ गए, अच्छा आ गए, अभी आ रहे जी, जी पांच सात मिनट और बोलना है, क्यों ठीक है कल बोलेंगे वहां पे, नहीं अभी बहुत थके हुए हैं वे लोग, फिर कल एक बार